प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, आरजू काजमी जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी, भारत की बेटी और कश्मीरी पत्रकार अनिका नजीर को, जिसमें वो ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि भारत और पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में, और खासकर आरजू काजमी खुद कारण बताएंगी कि क्यों पहले वो भारत और प्रधानमंत्री मोदी की बुराइयां किया करती थी, अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है और भारत और प्रधानमंत्री मोदी की वो तारीफ किया करती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसको एक्नॉलेज करती हैं एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि पाकिस्तान इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड व्हाटएवर हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर ओवर दिस पास्ट 30 इयर्स। और हमें सारी चीजें, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ गलत ही पढ़ाई गई है। तो देखिये, पहले हम, आप जिनको टेररिस्ट कह रही हैं, वो हम तो उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते रहे, हमने उनको हीरो बना के रखा, तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो वो हीरो ही थे। जो माइनॉरिटीज है बट है पाकिस्तानी, उनके बारे में बात नहीं करते वो, या तो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ऐसा कहेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाउनफॉल ही ये है कि टेररिस्ट या टेररिज्म को जो है वहां पे अच्छा खासा स्पेस मिला है, और जिसकी वजह कुछ लोग हैं अनिका यहाँ पे पाकिस्तान में जो डरते नहीं है और वो सब कुछ फेस करने के लिए तैयार है। झेलम टॉक्स में आपका इस्तकबाल है, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिका नजीर, और आज के वीडियो पॉडकास्ट में हमारे पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। वैसे ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप सब इनको जानते होंगे, लेकिन आज ये मेरे वीडियो पॉडकास्ट पर आई, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी जी जो है वो हमारे साथ जुड़ी है। थैंक यू सो मच आरजू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। अच्छा आरजू जी, बहुत सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेरा पहला स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्योंकि कल मैं ट्विटर शाम को स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने आपके काफी ट्वीट्स देखे और बहुत सारी चीजें देखी, तो मेरा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आपसे सबसे पहले ये रहेगा कि आपने बहुत सारे एंटी इंडिया, एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स या एंटी मोदी स्टेटमेंट्स प्रीवियसली बहुत बार दिए हैं, बट देन एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आपका वो यू टर्न कि आपने, आपको बहुत प्रेज करते हुए भी देखा गया है, चाहे कोई इंडियन जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको, क्या खास वजह है उसके पीछे कि आप उनको प्रेज करती हैं? देखिए, मैंने बहुत ज्यादा तो इस किस्म की ट्वीट्स नहीं की जो आप बता रही हैं, थोड़ी बहुत की होंगी जरूर, डेफिनेटली 2019 में जब मैंने ट्विटर ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं ट्विटर पे नहीं थी, और उस वक्त जो थी वो मैंने जो पॉलिसीज थी इंडियन गवर्नमेंट की उसको बिल्कुल मैंने क्रिटिसाइज किया, और अगर अभी भी कोई पॉलिसी मुझे ऐसी लगी कि जो ठीक मुझे नहीं फील हुई तो मैं क्रिटिसाइज करूंगी, चाहे वो मेरी गवर्नमेंट हो या चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन डेफिनेटली हम लोग जिस जनरेशन से हैं, हमें जो, बल्कि अभी भी हमें जो पाकिस्तान स्टडीज में जो पढ़ाया जाता है हम वही पढ़ पढ़ के पहुंचे, और हमें सारी चीजें, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ गलत ही पढ़ाई गई है। तो ये चीज हमें पहले हमें रियलाइज नहीं हुई थी, फिर डेफिनेटली हमारे यहाँ इंडियन मीडिया भी बैन है, और अभी से नहीं, सालों से बैन है, और हम वो भी नहीं देख पाते, लोगों को सुन भी नहीं पाते। तो लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने आप को करेक्ट करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई मुझे बताए कि मैंने ये चीज गलत बोली है या मैंने ये चीज गलत की है, तो मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार रहती हूँ, और शायद ये चीज पाकिस्तानी जो है उनमें बहुत कम है। तो इसी वजह से जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया, ने इंडियन मीडिया ज्वाइन किया, मीडिया में तो खैर मैं पहले से थी पाकिस्तानी मीडिया में, और मैंने उन लोगों को सुना, तारिक फतेह साहब को सुना और कई दूसरे लोगों को मैंने सुना और उनकी बातें, तो मुझे ऐसा ऐसा पता लगा कि मैं कहाँ कहाँ पे गलत थी और कहाँ पर इंडियन साइड सही है। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान हमेशा गलत और आप लोग हमेशा सही, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग भी ठीक ही होंगे। उसके बाद मैंने डेफिनेटली अपने आप को, अपनी उस सोच को मैंने बदला और मैंने पढ़ाई की, और जाहिर है कि आप जब आप स्टडी करते हैं और चीजों को देखते हैं तो आप ठीक कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप 100 साल भी आप किसी को बताते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही मैंने वो ट्वीट्स हटाई हैं, मैं वहां लगी हैं, लोग देख लें, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने एक चीज कि अपने आप को करेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट इससे हमारी ग्रोथ जो है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट होता है, और हम बिल्कुल एक यू नो बड़े पैरामीटर पे या
आला दर्जे पे चीजों को देखते हैं, वो समझते हैं। अच्छा, यूएन जनरल असेंबली का इजलास हुआ इस साल, तो काफी वर्ल्ड लीडर्स वहां पे थे, और हमेशा की तरफ से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की, लेकिन कश्मीर को लेकर हमेशा से उनका एक कांस्टेंट मुद्दा रहा है, आर्टिकल 370 या टेररिज्म के हवाले से वो कभी बात नहीं करेंगे। वो या तो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है ऐसा कहेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। या अगर हम देखें कि एज एन इंडियन हम लोग माइनॉरिटी है, 14% है, वैसे तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वैसे हम माइनॉरिटी है, लेकिन जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग, आपकी तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर हमेशा यूएन जनरल असेंबली में जाते हैं, वो वहां पर हमेशा कश्मीर की बात तो वो उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता एज अ पाकिस्तानी या एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि वहां पे माइनॉरिटीज आपके कंट्री उनके बारे में भी बात होनी चाहिए? क्योंकि आप देखिए जो रिलीजियस साइट्स है क्रिश्चियंस की, या पारा चनार में रिसेंटली जो शिया कम्युनिटी के साथ हुआ, वो एक इंटरनेशनल न्यूज, मैं नहीं कह रही अल जजीरा जैसी प्लेटफॉर्म्स ने पब्लिश की, लास्ट ईयर अल जजीरा ने क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है आपके देश में उनके साथ जो बर्बरियत हुई उसको भी कवर किया, या हिंदू टेम्पल्स को आपके ही पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने कवर किया। आपको क्या लगता है कि कितना काम वहाँ की माइनॉरिटीज पे हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जब भी यूनाइटेड नेशन में कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाएगा बात करने के लिए, तो वो डेफिनेटली वो अपनी बात नहीं करेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो माइनॉरिटी की हो, चाहे वो मेजॉरिटी की हो, किसी की भी हो, वो डेफिनेटली किसी दूसरी कंट्री की तरफ इशारा करेंगे, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, या कोई भी। और मेरे ख्याल से वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, अपनी बातें तो नहीं बता सकते, अपने लिए तो उनको काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो, तभी वो किसी दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। और जहाँ तक माइनॉरिटी की आपने बात की, तो माइनॉरिटी पे तो पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा उनके लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड हैं और मुझसे बात भी करते हैं, मुझे विजिट भी करते हैं, उनके डिफरेंट इश्यूज हैं, किसी की बेटी को कोई ले गया, किसी की बहन को ले गए, किसी की जमीन का प्रॉब्लम है कि उनके जो भी उनकी सिंध में या कहीं पर उनका प्लॉट है, कुछ है तो उसके ऊपर कब्जा है, तो वो एज अ मीडिया पर्सन मुझे बताते हैं और कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा हाईलाइट करें, लेकिन यहाँ पर उनकी सुनी नहीं जाती। तो ये एक इशू तो है पाकिस्तान में कि हम उन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते माइनॉरिटी के, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो हिंदू फैमिली हो, या कोई भी हो, वहाँ यहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी जाती और उनकी कोई मदद नहीं की जाती। और हम लोग भी अगर कोशिश भी करें तो हम एक लिमिट तक ही जा सकते हैं, उसके आगे जाहिर है जब गवर्नमेंट का काम आ जाता है, या किसी ऐसे गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट के अलावा किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ जाता है जो कि एक्शन कर सकते हैं, तो वो एक्शन नहीं लेते। तो माइनॉरिटीज का तो खैर बुरा हाल है यहाँ पर, ये तो सारी दुनिया ही जानती है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपसे ऐसा कह सकूँ जिससे मैं पॉजिटिव बात कर पाऊँ। लेकिन जो चलिए वहाँ की सरकार को तो छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपको, क्या वहाँ के लोग भी अपना फेलो जो पाकिस्तानीज हैं, जो माइनॉरिटीज है बट है पाकिस्तानी, उनके बारे में बात नहीं करते? नहीं, उनके बारे में बात नहीं करते। देखिए, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। अभी आप यही देख लीजिए कि जाकिर नायक जो आपके यहाँ के हैं और पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, कल ही इस्लामाबाद पहुंचे हैं, उनके लिए जो कुछ लिखा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, बताया जा रहा है, उसमें बार बार ये जरूर बताया जा रहा है कि उन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान किया है। मतलब उनकी जो, उनको क्रेडिट जो दिया जा रहा है वो इस बात का दिया जा रहा है कि उन्होंने लाखों जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल से कोई कारनामा नहीं है उनका। और ये गलत बात है कि किसी को आप इस तरह से, मुझे नहीं पता बाय फोर्स किया है या वो खुद हुए, लेकिन बहरहाल उनको एक, उनकी तारीफ हो रही है, उनको मीडिया ले रहा है, हमारे बड़े बड़े टीवी एंकर्स, आज मैं देख रही थी सुबह को, जो हमारे टॉप टीवी चैनल्स हैं उनके एंकर्स जो हैं, उनके साथ उनकी फोटोज आ रही हैं, वो शोज करने शुरू हो गए, कल से उनके शोज भी आने लगे। तो जब हम इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करेंगे तो फिर आम पब्लिक जो है वो भी तारीफ कर रही है, वो भी बड़ी खुश हो रही है कि जाकिर नायक आए। हालांकि मेरे ख्याल से हमारे यहाँ किसी इकोनॉमिस्ट को आना चाहिए था, किसी एजुकेशनिस्ट को आना चाहिए था, किसी साइंटिस्ट को, किसी बिजनेस कम्युनिटी से किसी ऐसे को आना चाहिए था जो पाकिस्तान को बता सके कि आप अपनी इकोनॉमी कैसे बेटर कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अप्रिशिएट कर रहे हैं जाकिर नायक को। तो आप इससे माइंडसेट समझ जाइए कि पाकिस्तानियों का क्या। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अनिका नज़ीर और आरजू काज़मी जी का ये पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर
आरजू कास्पी जी का खुद का जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में आपको पता चला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें।